अच्छा भैया एक बात बताओ, एनडीए में मैथ के 120 सवाल पहले पढ़ूं या फिर सीधा पहले सवाल से सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं? यार ऐसे ही एक सवाल का जवाब देते हुए मैंने अखिल सर का एक वीडियो देखा था, ले तू भी देख। तो बच्चों सबसे पहले उन चैप्टर्स को ढूंढ के उनके सवाल सॉल्व करो जो कि आपको सबसे ज्यादा आसान लगते हैं, जैसे कि पीएनसी, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। भाई बाल्टी भर के मार्क्स आ जाएंगे, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फिर आना है आपको फंक्शंस के चैप्टर में। फंक्शंस के साथ साथ ट्रिगो को और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स को एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि इन सब का इस्तेमाल हमें करना होगा कैलकुलस में। भाई कैलकुलस में बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, है ना। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद लेकर आए ज्योमेट्री को अखाड़े पर। तो सबसे पहले शुरुआत करें वेक्टर और 3D से, फिर जाएं स्ट्रेट लाइंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉनिक सेक्शंस में। तो इस तरीके से सेफ खेलते हुए आप कंप्लीट मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो इसी तरह की कुछ स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूं मैं महा मैराथन में। तो लास्ट फेज के लिए स्टे ट्यून टू डिफेंस वाला, ऑल द वेरी बेस्ट।